हाय दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल, टर्टल स्टडीज से। दोस्तों, आपके लिए मैं नया स्टॉक लेके आया हूं, वो है नियोजन केमिकल्स। तो दोस्तों, नियोजन केमिकल्स की हम एक स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये पॉजिटिव हमारे पोर्टफोलियो के लिए हेल्दी बन सकता है और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा रिटर्न्स बन सकता है। तो दोस्तों, अभी जो करेंटली हूँ मैं डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ, तो पहले वीकली के हिसाब से देख लूंगा। तो वीकली के हिसाब से अगर जो मैं देख रहा हूँ, ये करेंटली इसकी जो स्टार्ट हुआ है, मतलब इसकी आईपीओ के हिसाब से जो वर्किंग हुआ था, ये 2019 के हिसाब से मोमेंटम अच्छी ग्रोथ नजर आई है इसके अंदर। तो ये वीकली के हिसाब से में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पॉइंट नजर आ रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन एज पर टेक्निकल के हिसाब से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेक्निकल के हिसाब से इसके पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है ताकि हम इसको एक बेहतरीन, इसके लिए स्ट्रॉन्गली फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेक्निकल के हिसाब से हम एक टाइम बेस पे एंट्री करते हैं। तो टेक्निकल इज ऑलवेज बेसिकली इन द टाइम दैट कौन से टाइम पे कितने कम समय में आप कितना ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के साथ करोगे, आई बिलीव आपको इतना सक्सेस मिल सकता है कि टाइमली बेस पे आपको एक करंट एंट्री मिलती है। तो दोस्तों, पहली जो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, काफी टाइम से मार्केट सस्टेन हो रहा था। अगर हम देख रहे हैं पहली जो चीज से, अगर ये जिस हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट 781 से इसने अच्छा सा 937 का इसने जंप दिया है, जो करीबन करीबन 20-30% पकड़ के चलिए दोबारा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वापिस रेंज बाउंड रहा मार्केट और अभी वापिस से सस्टेनेबल में रहा। तो मैं मोटा मोटी इसके अंदर समझ के चल रहा हूँ कि मान के चलो अगर ये दोबारा इसके अंदर ब्रेकआउट देता है, मान के चलो अगर दोबारा एंट्री ब्रेकआउट देता है, तो इजीली इसके अंदर हमें 10 से 50% की उछाल मिलने की एक्सपेक्टेशन, भले फिर दोबारा वापिस रेंज बाउंड चले जाए। जिस हिसाब से हम पिछला पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ब्रेकआउट देने के बाद फिर रेंज बाउंड जा रहा है, फिर ब्रेकआउट के बाद रेंज बाउंड जा रहा है, उसी तरह से ये शायद दोबारा चले जाए, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब क्वेश्चन आता है इसका स्टॉप लॉस। दोस्तों, पिछले टाइम से अगर जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस इतना मार्केट सडनली फॉल नहीं हुआ है। टेक्निकल के हिसाब से देखिए कोई एक सडनली फॉल नहीं हुआ है। अगर फिर भी आपको स्टॉप लॉस रखना है तो दोस्तों इसमें तो मेरे को नहीं लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है रिस्क के हिसाब से चलना है तो आप एक 850 का स्टॉप लॉस इसको लगा के चलिएगा, 850 भी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे भी आता है, या फिर लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर आप मान के चलो एवरेज करना है तो वो 780 पे एवरेज करने की एक्सपेक्टेशन कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये बेहतरीन है ही है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म दोस्तों आपको इजिली हफ्ते भर से महीने भर में इजिली इसके अंदर आपको 10 से % का मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, करेंटली अब जो क्लोजिंग दी है आज की वो 426 की है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट ये 908 पे आता है तो डेफिनेटली इसको मैं एंट्री ले लूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक छोटा सा है, तो 908, 910 या 915, या मान के चलो 920 से लेके 915 के रेंज में आता है तो भी एक वैलिड है, नहीं है तो सबसे क्लियर पिक्चर नजर आएगी। जैसे ही ये इसके ऊपर जाता है तो आपको एक नया ब्रेकआउट जैसे ही होगा, सस्टेन करेगा मार्केट, एक नया 10 से 15% से 50% की आपको टारगेट की उम्मीद है। दोस्तों, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो बेस है हम सीधा रैली के हिसाब से करके चलेंगे, तो सीधा आप फिबोनाकी के हिसाब से आप डायरेक्टली टारगेट ऐड ऑन कर सकते हो कि इसकी टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या है। हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे, तो हमारा, मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है कि ये हो सकता है ब्रेकआउट देने का, बट एक रेंज के हिसाब से, रैली के हिसाब से ये आने वाले समय में ये आपको 1200 से 1300 के रेंज में नजर आएगा। कुछ समय जाएगा लेकिन इसके अंदर एक आपको अच्छी मोमेंटम नजर आएगी, 10 से जो 30% के रेंज है वो आपको महीने भर में तेजी आने की उम्मीद। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल नियोजन केमिकल्स के ऊपर। अगर आपको इसके अंदर फंडामेंटल देखना है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये बेसिकली लिथियम और बायो केमिकल्स के ऊपर जो होता है उस पर ज्यादा ये वर्क
इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो आप डेफिनेटली फंडामेंटल देख लिए। और दोस्तों जो भी आपको ट्रेड करना है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, तो जो भी आपको ट्रेड करना है तो आप अपना एक सेल्फ स्टडी या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसके अंदर पता कर लीजिएगा। तो मुझे ये बेहतरीन लग रहा है, इसमें डेफिनेटली मैं मेरा इन्वेस्टमेंट एड ऑन करूंगा। तो दोस्तों अगर आप आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।